अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पिपरा मिश्र गांव के समीप सरकारी देसी शराब की दुकान के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद कुंडली की तरफ भागा। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के धनौती ढाला गांव निवासी लालू चौहान 28 वर्ष पुत्र शंकर चौहान किसी काम से शुक्रवार की दोपहर पिपरा गांव मिश्र के समीप सरकारी देसी शराब की दुकान के तरफ गया था। किसी बात को लेकर दो युवक दुकान के सामने उससे उलझ गए। विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक युवक असलहा निकालकर लालू चौहान के ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ कर बयान दर्ज किया। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। कैसे गोली चली है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। सलेमपुर थाना के धनौती गांव के रहने वाले लालू चौहान हैं। वो किसी कार से मईल जा रहे थे, उन्हें अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारी गई है। गोली कंधे पे ऊपर लगी है, उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनको सतर्कता की दृष्टि से गोरखपुर को रेफर कर दिया गया है। अन्य जो भी जाँच हम लोग कर रहे हैं, वो भी जो भी तथ्य इसके तथ्यगत आएंगे उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। परिजनों का सर ये कहना है कि उनको गोली मारी गई और छिनेती भी की गई, माला भी छीन लिया गया। इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते हैं, इसकी मैं जांच करवा रहे हैं। अभी तत्काल की घटना है, जो भी होगा बता दिया जाएगा।